प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल नहीं हुए थे। देखिए, कल की जो डेवलपमेंट है, जो कल की गतिविधियां हैं, वो कोई साधारण गतिविधि नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है। और कल की गतिविधियां ये साफ कर देती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी 2024 में वापस नहीं आ रहे हैं, बीजेपी 2024 में सरकार नहीं बनाने जा रही है, और इस देश ने अब बाय बाय मोदी जी कह दिया है। कल की गतिविधियों को बहुत महत्वपूर्ण मानते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि इस देश के तमाम लोग आज बेरोजगारी से, महंगाई से छुटकारा चाहते हैं। लोगों ने क्यों वोट दिया था बीजेपी को? कोई क्यों वोट डालता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को? ये सोच के डालता है कि अगर ये राजनीतिक दल जिसको मैं वोट डाल रहा हूं, इसकी सरकार बनेगी तो हमारी जिंदगी बेहतर होगी, देश में बेरोजगारी कम होगी, हमारे घर के बच्चों को अच्छी नौकरी मिलेगी, महंगाई कम होगी और हमारी जेब में 4 पैसे बचेंगे। लेकिन इस सरकार ने महंगाई का आलम वो कर दिया कि जो पेट्रोल 50 रुपए पे बिकता था आज 110 रुपए प्रति लीटर पे बिक रहा है, जो टमाटर 25-30 रुपए प्रति किलो मिला करते थे आज बाजार में 250 रुपए पे मिल रहे हैं, अदरक 400 रुपए पे मिल रही है। बैठक है 2024 को लेकर, है क्या कुछ रणनीति रहेगी आम आदमी पार्टी की, क्योंकि आप लोग कहते रहे कि जब तक कांग्रेस पार्टी यह स्पष्ट न करे कि वो पूरी तरह से विरोध करेंगे, ऐसा ना हो कि जीएसटी देखिए दिल्ली का जो काला अध्यादेश है, इसे केवल दिल्ली के चश्मे से देखना एक गलती होगी। इसे आप भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें, दिल्ली में तो भाजपा ये एक प्रयोग कर रही है। अगर ये दिल्ली ऑर्डिनेंस, दिल्ली का अध्यादेश, भारत दिल्ली में ये जो ये प्रयोग किया जा रहा है, अगर ये सफल हो जाता है तो बीजेपी इसे भारत भर में लागू करेगी, पूरे हिंदुस्तान के हर गैर भाजपा सूबे में लागू कर एक एक सरकार को ध्वस्त करेगी, सब्जेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उनके विचाराधीन आने वाले जो विषय हैं उनको खींच लेगी और सारे सरकारों को, गैर भाजपा सरकारों को नपुंसक करने का काम करेगी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस काले अध्यादेश को रोकना बहुत जरूरी है। अरविंद केजरीवाल जी के आह्वान पे तमाम राजनीतिक दल साथ आए, सबने विश्वास जताया कि हम सब मिलकर इस अध्यादेश का मुकाबला करेंगे, और उसी श्रृंखला में कल कांग्रेस ने भी अपनी जो पोजिशन है उसे सार्वजनिक तौर पर रखा है, बात क्लियर कर रही है। हम दिल्ली की 2 करोड़ आबादी के ओर से, आम आदमी पार्टी की ओर से कांग्रेस पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप लोग संतुष्ट है कांग्रेस की स्टैंड से, या कुछ और क्लियरिटी चाहते हैं कि वो एक व्हिप जारी करें सदन, मतलब संसद सत्र शुरू होने से पहले? नहीं, वो मुझे लगता है वो सारी चीजें जब सदन शुरू होगा तो बैठकर इन सारे विषयों पे चर्चा होगी, और मुझे विश्वास है कि एक सकारात्मक दिशा में इन सारी चर्चाओं को हम लेकर जाएंगे और सफल होंगे। आप लोग चर्चा करेंगे आजकल की बैठक में? देखिए, बैठक में क्या होगा वो तो बेंगलोर में जाकर पता लगेगा। पहले कुछ एजेंडा तो तय होगा, जो एजेंडा होगा वो फिर हम आपको बैठक के बाद बताएंगे। पहले ऐसे कैमरा पे बातचीत करते हुए बताना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि क्या बातचीत होगी, क्या आज का एजेंडा है, उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि ये जो एक कुनबा है, जो ये एक लाइक माइंडेड पार्टीज का एक कुनबा बना है, आज ये देखकर भाजपा को नींद नहीं आ रही है, भाजपा डरी हुई है। और कल की जो गतिविधियां हैं वो ये साफ कर रही हैं कि मोदी जी 2024 में वापस नहीं आ रहे हैं, देश के लोगों ने मन बना लिया है, पॉलिटिकल पार्टीज ने देश के लोगों के ओर से ये मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को परास्त।